आरोप लगाया गया था कि भाई एक नी नाम के सब इंस्पेक्टर है जो रिश्वत के पैसे मांग रही है। हिसार भिवानी विजिलेंस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और महिला सब इंस्पेक्टर भवानीखेड़ा थाने में कार्यरत थी। विजिलेंस टीम ने जो कार्रवाई की गई है, क्या क्या कार्रवाई की गई, बलियाली गांव का एक मामला संबंधित बताया गया है। बलियाली गांव के निवासी की शिकायत पर ये रेड की गई है और ये भी बताया गया है कि महिला सब इंस्पेक्टर जिस समय इसको रेड के दौरान गिरफ्तार किया गया भिवानी के लघु सचिवालय परिसर में आई हुई थी और योजना के मुताबिक विजिलेंस टीम ने भिवानी के लघु सचिवालय परिसर से ही गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर विजय कुमार का क्या कहना है, ये हम आपको सुनाते हैं। क्या शिकायत मिली थी, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई? आज एक शिकायत मिली थी जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि भाई एक नी नाम के सब इंस्पेक्टर है जो रिश्वत के पैसे मांग रही है, जिसको पूरी टीम तैयार की गई और टीम तैयार करने के बाद रेड की गई। रेड करने के बाद मुन्नी सब इंस्पेक्टर से 5,000 रुपये रिकवर की गई। कितने रुपए की डिमांड की गई थी, मांग की गई थी? 5,000 रुपये ही रिकवर हुए हैं और लेडीज की पैंट से ही रिकवर। किस मामले में ऐसा? ये एक रजनी नाम की लड़की थी जिसका कोई पर्चा दर्ज था 346 का भवानीखेड़ा थाने में। उसकी रिकवरी को लेकर कोई मामला था जिसके कारण जो कृष्ण नाम का जो एक्यूज बनाया गया था उसी से ही रिश्वत की डिमांड की गई थी। ये महिला ऐसा ही कहां पर क्या कर रही? लाल भवानीखेड़ा थाने में थी, बता रही हूं। तो हिसार विजिलेंस टीम के द्वारा रेड की गई मामले में या भिवानी में? ये रेड इकट्ठी हुई थी। हां, कोई बात नहीं, अभी गिरफ्तार किया गया है मुन्नी को, उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स है वो अमल में लाई जा रही है। पहले कोई ऐसा मामला दर्ज है मुन्नी पे? नहीं, अभी तक कोई आया नहीं है, पूछताछ जारी है। अभी ना भी चलो भाई दूंगा।